नमस्कार दोस्तों, स्पेशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल ज्ञान में, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्वायरमेंट सेंटर से वैकेंसी आई हुई है। इसका स्टार्टिंग डेट दोस्तों 10 जनवरी से स्टार्टिंग डेट है और क्लोजिंग डेट 9 फरवरी को है। इसका क्लोजिंग डेट है दोस्तों, तो इसमें आप भर सकते हैं आसानी से। इसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले भर सकते हैं दोस्तों। जो 10th पास है, जो सिर्फ 10th पास है वो भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 10th पास है वो भी यहाँ पे भर सकते हैं, और जो 10th पास और आईटीआई पास दोनों है वो भी भर सकते हैं। यहाँ 10th पास के लिए देख सकते हैं, आपको सिर्फ 10th पास होना जरूरी है और 50% मार्क्स होना जरूरी है ऑल सब्जेक्ट में। और यहाँ 40% मार्क्स बोल रहा है मैथमेटिक्स एंड साइंस में मिलाकर होना चाहिए। यहाँ पे सबके लिए दिया गया है वैकेंसी। यहाँ पे कम से कम 4,000 आईटीआई के लिए है और 2,000 वैकेंसी नॉन आईटीआई वाले लोगों के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे दोस्तों, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो अगर आप नहीं बनाए हैं तो अभी आप बना सकते हैं दोस्तों। आप ये तत्काल में अभी अप्लाई होता है, अगर पहले से आप अप्लाई नहीं किए तो तत्काल में अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिन के अंदर बन जाता है। अगर 10 दिन में नहीं बनता है तो 10, 15, 20 दिन के अंदर बन जाएगा, अगर अभी आप अप्लाई कीजिएगा तो। जल्दी से वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना लीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो होता है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरने में गलती करते हैं दोस्तों। तो यहाँ गलती कीजिएगा फॉर्म भरने में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे नाम, फादर का नाम, ये वगैरह सारे बहुत गलती करते हैं, उस गलती से आप बचिए दोस्तों। और यहाँ पे पहले देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपको ना कोई एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों, ना कोई इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका मेरिट बेस के हिसाब से आपको सिलेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा दोस्तों। तो जिसका 10th में ज़्यादा मार्क्स है उसी को पहले लिया जाएगा दोस्तों। अगर दो बच्चों का नंबर सेम है, दो स्टूडेंट का, तो जिसका एज ज़्यादा होगा उसको लिया जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे जो स्टाइपेंड दो मिलते मिलेगा दोस्तों, स्टाइपेंड जो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रेनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रेनिंग में, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रेनिंग में आपको मिलेगा 70% सैलरी मिलेगा, और सेकेंड ईयर में 80% और थर्ड ईयर में 90% मिलेगा, जितना भी दिया जाता है। तो पहले तो 4,000 5,000 दिया जाता था, अब बढ़ा दिया गया दोस्तों, कम से कम आपको 8,000 9,000 दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको मेडिकल एग्जाम वगैरह भी लिया जाएगा, पहले सिलेक्शन लिस्ट आ जाने के बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों देर मत कीजिए, जल्दी से इस वैकेंसी को भर दीजिए। इसमें आपका जो पेमेंट करना होगा, फी होगा, पेमेंट फी आपका 100 रुपया होगा दोस्तों, जो आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आप जल्दी से भर दीजिए, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, क्योंकि 6,000 वैकेंसी है दोस्तों। बहुत दिनों के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री निकला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग स्टेट में वैकेंसी है, हर स्टेट में वैकेंसी है लगभग। यहाँ पर देख सकते हैं 38 या 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी निकला हुआ, जैसे चंडीगढ़ में देख सकते हैं, चंडीगढ़ में 40 वैकेंसी है टोटल, मध्य प्रदेश में 36 है, फिर मध्य प्रदेश जबलपुर में देख सकते हैं अलग अलग आयरन फैक्ट्री, मध्य प्रदेश का आयरन फैक्ट्री में देखिए इतना वैकेंसी है, सब में अलग अलग है जो दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस ट्रेड से आप आईटीआई किए उस ट्रेड से भर सकते हैं, या नॉन आईटीआई वाला अपने जिसमें नॉन आईटीआई वाला ऑप्शन है वहाँ से आप जाके भर सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इस प्रकार की रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.